Well, friends, maybe. So, आज की कहानी एक टीचर थी मिसेस वर्मा जिसने फिफ्थ स्टैंडर्ड के बच्चों के आगे एक झूठ बोला था कि वो हर बच्चे से इक्वल प्यार करती हैं, क्योंकि क्लास के पहली रो में रोहन बैठा हुआ था अपनी सीट में घुसा हुआ, बाल बिगड़े हुए खराब। ये होने लगा था कि मिसेस वर्मा को उसे क्लास के सामने डांटने का हक सा लगने लगा था, रोज होमवर्क सा लगने लगा था, इतना था कि मिसेस वर्मा अपने क्लास के हर बच्चे के पास रिकॉर्ड निकाल कर पढ़ती थी। तो आज उन्होंने रोहन के बारे में पढ़ा। फर्स्ट स्टैंडर्ड के टीचर ने लिखा था कि रोहन बहुत हैप्पी बच्चा है, क्लास के सभी बच्चों से बहुत प्यार करते हैं, फन एंड टैलेंटेड। सेकंड स्टैंडर्ड के टीचर ने लिखा था कि एक्सलेंट लड़का है, लेकिन शायद घर में कोई तकलीफ है लेकिन बताना नहीं चाहता। थर्ड स्टैंडर्ड के टीचर ने लिखा था कि रोहन की मॉम की कैंसर ने जान ले ली, ये अपनी ओर से बहुत कुछ करने की कोशिश करता है लेकिन रोहन के पिता उसकी ओर ध्यान नहीं दे पाते। वहीं मिसेस वर्मा के आंखों में आंसू बहने लगे। उन्होंने उस दिन मन ही मन मानो रोहन को अडॉप्ट कर लिया। क्लास में कहती थी कि सभी बच्चों को प्यार करती हूँ लेकिन रोहन से कुछ ज्यादा करती थी। क्रिसमस आई, सब बच्चे टीचर्स के लिए गिफ्ट लेकर के आया और रोहन टीचर के लिए पुराना ब्रेसलेट और एक परफ्यूम की एक आधी खाली बोतल लेकर के आया। टीचर ने फटाफट ब्रेसलेट पहना और परफ्यूम भी लगाया। तभी रोहन बोल उठा, माँ से भी ऐसी ही खुशबू आया करती थी टीचर। काश कि हम सभी की जिंदगियों की चिट्ठियां पढ़ पाते, उन पर क्या बीती है यह जान पाते, तभी उन सभी से ज्यादा अच्छे से बिहेव कर पाते, नहीं? सो अदन, कैसा लगा आपको ये वीडियो कमेंट करके जरूर बताएं। अच्छा लगा तो लाइक एंड शेयर करें। अगर आप कोई टॉपिक सजेस्ट करना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। डिस्क्रिप्शन में लिंक दी हुई हैप्पी पेज के आप मुझसे फेसबुक के थ्रू भी जुड़ सकते हैं, और अगर चैनल में न्यू है आप तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।